सीक्वेंस ये चल रहा है कि हम लोग, मैं और नक्श जयपुर जा रहे होते हैं और रास्ते में हमें कुछ लोग रोकते हैं। हमें लगता है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो हम उतरते हैं गाड़ी से और पता चलता है कि उनके पास चाकू और गन्स हैं एंड वो हमें बेसिकली लूटने के मुद्दे से आए हैं। और ऐसा ही होता है, हमारे पैसे, घड़ी, मोबाइल, गाड़ी सब लोग वो चुरा लेते हैं और बहुत मुश्किल हो रही है हमें ये मैसेज घर पहुंचाने में कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, और कोई मान भी नहीं रहा ये बात, तो बहुत मुश्किल हो रही है हमें। और आज तीज भी है, अक्षरा ने व्रत रखा हुआ है, सो आई एम वांटिंग टू गेट बैक एज फास्ट एज पॉसिबल। वो तो देखेगा, वक्त बताएगा, आप देखिए, स्टिक अराउंड एंड यू विल नो कि पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। जो हाईवेज पे इस तरह के एक्सीडेंट होते आ रहे हैं, वैसे रियल में भी होते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर आप टच हो रहा है? बट येस, थिंग्स लाइक दीज डू हैपन। हमने स्टोरीज रियल लाइफ में भी सुनी है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उसी से इंस्पायर्ड है। सो आजकल ज़माना जिसे कहते हैं कि थोड़ा ख़राब हो गया है, आजकल कोई फिर ऐसे सड़क पे अपनी गाड़ी कभी रोकेगा भी नहीं, ना हाईवे पे। लोग यही कहते हैं कि रुकना भी नहीं चाहिए क्योंकि सेफ्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकता है वो आपको कुछ कर दें। तो कुछ लोगों की वजह से शायद सबको ये भुगतना पड़ा है एंड एवरीबडी कम्स विद दैट प्री अज्यूम्ड नोशन दैट वी शुड नॉट स्टॉप ऑन अ हाईवे नो मैटर व्हाट। लेकिन बहुत जगह ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग जो ज़रूरतमंद होते हैं वो लिफ्ट लेने के लिए रोकते हैं किसी को और वहाँ पे लोग नहीं रुकते हैं, तो नेचुरली वही कह रहा हूँ, उसका यही उसका आफ्टर इफेक्ट है। कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो गया है कि सबको यही लगता है अब कि शायद हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होगा, तो नहीं रुकता है। इसकी एक वजह क्या होगी, अगर कोई एक वजह देना चाहे कि ये सब जो हो रहा है उसमें एक? क्योंकि ऐसे हादसे हो चुके हैं, पीपल आर लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट अदर पीपल हैव गॉन थ्रू, दे डोंट वांट टू गो विद दैट इवन अ लिटिल चांस इन लाइफ, दैट व्हाई शुड आई स्टॉप ऑन द रोड। थैंक यू सो मच।